खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। चतुर्थ थल महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जो कि 3 जनवरी से 3 फरवरी तक हनुवंतिया में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ साथ पर्यटन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग के मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व सांसद अरुण यादव तथा मांधाता विधायक नारायण पटेल भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिसमें जल महोत्सव के दौरान ये आयोजन होंगे। उल्लेखनीय है कि अगले एक माह तक जारी रहने वाला यह जल महोत्सव का चतुर्थ संस्करण पहले से अधिक व्यापक स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। पर्यटन सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि एक माह तक चलने वाले इस आयोजन में पर्यटकों के लिए 104 लग्जरी टेंट सिटी का अस्थायी निर्माण किया गया है। इस दौरान हनुवंतिया में साहसिक एवं रोमांचकारी गतिविधियां आयोजित होंगी। ये रोमांचकारी खेल जल थल व आकाश में संपन्न होंगे। जल महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक संध्या, आइलैंड ट्रेकिंग व कैंपिंग विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगे। हनुवंतिया में उन्मुक्त हवा व अथाह जल राशि की लहरें साहसिक खेलों के प्रति सभी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हनुवंतिया में आयोजित होने वाली जल आधारित गतिविधियों में पैरासेलिंग, वाटर स्कीइंग, जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइडिंग, वाटर जार्बिंग शामिल है। वायु आधारित गतिविधियों में हॉट एयर ब्लूनिंग, पैरा मोटरिंग, पैरासेलिंग, भूमि की गतिविधियों में पतंगबाजी, वॉलीबॉल, रस्साकसी, साइकिल टूर, बैलगाड़ी दौड़ जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसी तरह आइलैंड की गतिविधियों में बर्ड वॉचिंग, ट्रेकिंग, ट्रेजर हंट, कैंपिंग, कैंप फायर, साहसिक खेलों में बर्मा ब्रिज, आर्टिफिशियल क्लाइंबिल बॉल, टायर स्विंग, नेट वॉक व रॉप ड्रिल्स शामिल हैं। शुभारंभ दिन के साथ आगामी प्रत्येक सप्ताह के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित होंगे। हनुवंतिया में जल महोत्सव के दौरान क्राफ्ट बाजार व फूड जोन भी स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इंदिरा सागर बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। इस स्थल पर नर्मदा नदी पर बांध के बैक वाटर से बड़ी संख्या में प्राकृतिक रूप से उभर कर टापू निर्मित हुआ है। टापुओं की श्रृंखला की शुरुआत इनके प्रवेश द्वारा मुंदी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुवंतिया से होती है। यह पूरा क्षेत्र नर्मदा नदी के बैकवाटर से भरा हुआ है। आसपास के वन क्षेत्र, वन्य प्राणी और रंग बिरंगे पक्षियों का विचरण और कोलाहल इस स्थल की रमणीयता को और अधिक बढ़ावा देता है। खबर समय जगत के लिए खंडवा हनुवंतिया से कैमरामैन भवानी प्रसाद शर्मा के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। खंडवा जिले में हनुवंतिया टापू पर आज चौथा जल उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। उसी तारतम्य में आप पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर जल महोत्सव में जलपरी के नाम से बोट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। उसी प्रकार से अब हम बात करना चाहेंगे खंडवा से माननीय श्री हनुकी जी से, जो कि इस कार्यक्रम में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी बताइए, किस प्रकार से यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है? यहाँ पर सर ये जल महोत्सव का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के और इसमें यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे क्रूज लगा हुआ है, इसको वो फ्लैग दिखाकर रवाना करेंगे, जल महोत्सव का शुभारम्भ करेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर जो बोट क्लब की बोटों का भी मार्च होगा तो वो भी जाएंगी। शुभ है आपका। मैं महेश हनोतिया, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, यहाँ बोट क्लब पर अभी मुझे इंचार्ज के रूप में ड्यूटी लगाई। तो देखा आपने जिस प्रकार से काफ़ी सुविधाओं के साथ में ये जल महोत्सव मनाया जा रहा है। खंडवा से दीपक चावर के साथ में भवानी शर्मा की ये खास रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।